माहे रमजान आ गया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर डूइंग सुपर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, आज हम सोच रहे हैं कि मैं आज इतने दिनों बाद, बट इट्स 7th ऑफ रोजा टुडे, आज शुरू होगा 7 का रोजा, हम 7 रोजे की सैरी करेंगे। बेसिकली आज मैं कर रही हूं ब्लॉग, मैंने कहा थोड़ा सा 5-6 दिन जो है ना रमजान के, थोड़ा मतलब मैं रूटीन सेट होने में लगता है, मैं बहुत बीमार थी, मैं पहले रोजे की बात ही बीमार पड़ गई थी, मेरा मतलब खराब बुखार और हेडेक वगैरह, हेडेक कभी भी फिर है और फ्लू वगैरह, तो ये सब तो उससे हम गुजर रहे थे। तो मैंने कहा कि पहले रूटीन सेट हो जाए रमजान के हिसाब से, क्योंकि खाना चेंज होता है और फिर आपकी रूटीन वो हो जाती है कि आप सुबह 4 बजे खा रहे हो और फिर रात में खा रहे हो 7 बजे, तो ये होता है। तो खैर मैंने कहा कि थोड़ी सी रूटीन सेट हो जाए फिर हम बनाते हैं और आप आएंगे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग। सो टीम मैंने मैंने सी यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यट, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, गो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो रमजान के लिए रमजान की सीरीज होगी, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँ, प्लेलिस्ट में आपके डाल दूँगी और बहुत अच्छे अच्छे फन चैलेंजेस वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून, और आज मैं करने वाली हूँ माय रमजान रूटीन, बेसिकली मैं रमजान में क्या करती हूँ, रोजा रखती क्या करती हूँ, रोजा किस तरह करिए, बट मैं ये नहीं बताऊँगी कि हमारे यहाँ जो है वो मैं क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ वो मैं बताऊँगी किसी, और उसमें मैं बताऊँगी माय डाइट रूटीन है रमजान, बट क्या चलिए गाइस हम रमजान में क्या करते हैं। और मैं और मेरी फैमिली क्या बना रही हैं मम्मी अभी फ़िलहाल, मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, तो मैं बना रही हूँ परांठे, जो कि मैं तो नहीं खाऊंगी बट बाकी सब तो खाएंगे। सो और खाने में क्या है, कढ़ाई है, आलू की गलियाँ हैं और किबाब किबाब एंड फेनी चाय फेनी, एक पराठा रखा हुआ है बना के, ठीक है पराठा बना रही है मम्मी, इसको मैं कर लूँ मम्मी, नहीं अभी इसको गरम तो कर लो, ऐसे क्या ऐसे करते हैं, मुझे आते हैं बनाने वैसे, अच्छा ऐसे आप ऐसे तो नहीं करती, नहीं ऐसे करते हैं तो ऑर्डर मैं वीडियो ना ना दिखाऊंगी, और एक पराठा वो बन रहा है, दो लकड़ी वाला चम्मच दो, मुझे वो काम गरम करना है सिर्फ, बनाई है मैंने, अच्छा भाई लड़वा लो, वॉशिंग भी ऐसे, ये देखो ये एक पेड़ा बन गया पराठे, ये पेड़ा बन गया, देखिए ये है पराठे लच्छेदार, ये मैंने बनाया है सही है भाई, हमने खा रही हूँ, ये दही है, आलू की गतलियाँ हैं भाई खाएगा, ये फेनी है और भाई इसका पहले सो गया है, और अब कढ़ाई आएगी और कबाब आएंगे, देखिए ये कढ़ाई है और हमारा बैठा हुआ है, ये हमने यहाँ पे दस्ता भगवान है कढ़ाई रख दी है। Yes guys, अभी हम करने लगे हैं सैरी, और मैं अभी अपने एंड्रॉइड से शूट कर रही हूँ एंड राइट से, और अभी तक मेरा कबाब नहीं आया, मैं बैठ गई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कबाब हो रहा है, हो रहा है ना, जब तक कबाब हो मैं थोड़ी सी कढ़ाई खा लूँ, कढ़ाई कल बनी थी कढ़ाई बेसिकली और मैंने नहीं खाई थी, बस मैंने कल भी कबाब ही खाया था, मैं थोड़ा सा कबाब, ये रहा मेरा सैरी, और अब मैं लूँगी एक परांठा का निवाला, परांठा सैरी तो ले दो, और ये मेरा निवाला, क्या निवाला, निवाले में खत्म हो गया, जल्दी कबाब ले आओ, नहीं है नहीं भाई चलो मैं कहा मैंने कबाब नहीं खाया, मैं चिकन की बोटियाँ खा रही हूँ खाली खाली, तुम क्या खा रहे हो, मैं कबाब पराठा दही चीनी आलू की गतियाँ फेनी, आप चाय, आप क्या खा रही, सेम चीज़ें मम्मी भी खा रही, मम्मी आप क्या खा रही, दाल पराठा, दाल मैं खा रही दाल परांठा,
प्रॉन्स खा रही हूँ मैं प्रॉन्स। और भाई अभी तो सो रहा है। मिलते हैं जो मैंने दिखाई वही मैंने की थी, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था सही करने का। सो अब हम जाएंगे पानी पियेंगे, ब्रश हमने कर लिया है, अब मैं जाऊँगी पानी पीऊँगी और मेरे दिल को नहीं चाह रहा है स्टीम लेने का, इट्स ऑलरेडी टू हॉट। सो तब पानी पानी की नमाज पढ़ के अंदर मिलती। सो पानी वगैरह पी के आसान हो गई थी, फिर हमने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर मैं सो गई थी। सो यस गाइस, आई जस्ट वोक अप एट 1 PM अराउंड एंड देन आई जस्ट परफॉर्म ज़ोहर एंड ज़ोहर पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा यू नो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने आप को मना रही थी कि बस अब उठ जाओ, अब बाकी काम करना है, तो फिर तस्बीह वगैरह एंड ऑल जो एसेंशियल्स होते हैं। सॉरी मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ बिकॉज अशर इज स्लीपिंग, अशर हमारे घर स्टे के लिए आया हुआ है एंड द मेन थिंग इज व्हाट टाइम इज़ इट, इट्स 5:25 राइट नाउ एंड टाइम फॉर इफ्तारी ऑफ कोर्स। और पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर दुआ की हुई और अब अम्मी की हो रही है, मेरी तो खैर ठीक नहीं हुई, दुआ की थोड़ी बहुत ठीक हो गई है बट अब जो है तो मैंने मुझसे कहा था थोड़ी सी तैयारी कर लो इफ्तारी की बिकॉज ऑब्वियसली तबीयत ख़राब है, तो कुछ हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे खाना, ना हम खुद सादा खाते हैं ना ठंडी ठंडी चीज़ें, तो रूटीन सेट होने में टाइम लगता है। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा बेसन घोल लो, तो मैं जाऊँगी फिर बेसन घोलूँगी और या लेट्स सी। और मैंने शावर ले लिया था बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो लो और मेरी ऑयलिंग भी हुई हुई थी। लेट्स गो एंड मेक सम पकौड़ास, प्रेशर आया हुआ है तो उसके लिए मैंने फ्राइज़ बनाने हैं। सो यस, ऑफ कोर्स सबसे पहले स्किन केयर आ जाती है, मैंने जो शावर लिया था उसके बाद मैं बस ने बाल सुखा रही थी, जस्ट कुछ काम था मैंने वो कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जाके बेसन घोला, बिकॉज मुझे घोलना था बेसन, तो हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा पकौड़े इस दफ़ा हम नहीं बना रहे, तो मतलब थोड़ा सा ही बेसन घोला था मैंने, फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, तो मम्मी ने कहा इतना ज़्यादा क्यों किया, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा किया था, फिर मैंने उसको अच्छे से जो इसका पेस्ट बना लिया बेसन का, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे से उसको हमने बीट बोल रही हूँ मुझसे ना फॉक से हमने वो कर लिया, फिर उसको बस इतना सा काम था, बस बेसन घोलना था, बाकी मम्मी ने कहा बाकी मैं कर लूँगी, बाकी तुम बस जाके ना बेसन घोल लो, तो मैंने बेसन घोल लिया और ऐसा लग रहा था जैसे दलिया हो। ठीक है, फिर बेसन घोलने के बाद मैंने फ्राइज़ काट लिए थे, फ्राइज बने थे, मेरी कढ़ाई वगैरह इग्नोर कीजिएगा, मैं बहुत जला चुकी हूँ, मैं छोले बना रही हूँ, ये फ्रीज में फल फ्रीज होते हैं हम लोग, अच्छा किचन में है, अच्छा खाना बना रहे हैं ना, कैसे बनाते हैं अच्छे वो रहे बना रहे हैं। फिर मैंने शरबत में चीनी खोल दी थी, बड़े बनेंगे उसके लिए फुल्किया है, पिंग और यूज़ किचन है, बाकी ये समोसे रखे मैंने, ये तलने हैं, ये छोले हो गए हैं और ये जूस बन गया है, दूसरा जूस बन गया है, ये फ्राइज हैं तलने के लिए, रह गए हैं फ्राइज तलने जा चुके हैं, ये दूसरी कढ़ाई है, यहाँ पे जो है हमारे पकौड़े तले जाएंगे, फिर पकौड़ों में बटर ये रहा ये रहा, और बाकी सूट छोट हमारी बन गई है, और अब ये तरबूज जो है उसको हम कट करेंगे बिकॉज शूज आर नेसेसरी इन माय तार स्पेशली। सो
चाट। ओके, ये है हमारे समोसे और ये हमारी घर में तली हुई पापड़ी हैं। दही बड़े के लिए दही बड़े छोले फ्राई पकौड़े में दही बड़े और ये हमारा अशर है। अशर से हाय हाय। अच्छा ऐसे बोलते अच्छा ऐसे बोलते अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे हाय अच्छा बोलो हेलो चलो आई एमा जी। मैं तरावी पढ़ने चली गई थी, मैंने वो ज़रा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने मुनासिब नहीं समझा। फिर मैं कुरान को तरावी पढ़ के फिर मैं सुकून से कुरान पढ़ने बैठी थी, क्योंकि कुरान के लिए रमज़ान में तो जाहिर है मतलब टाइम निकालना। तो यस गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट मेक श्योर टू गिव अ बिग बिग थम्स अप एंड डू गेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और इंशाल्लाह कल परसों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड ऑलवेज कीप मी इन योर प्रेयर्स, me and my family, and subscribe and like, comment, share, and yes, bye.